वेलकम टू बैक माई सीसी क्रिएटिविटी एंड क्राफ्ट। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारे प्यारे एस्थेटिक टी कोस्टर्स। टी कोस्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम लोग बेड पे बैठ करके कोई भी चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं। सो आज मैं बनाने वाली हूँ किसी कार्ड से टी कोस्टर्स, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कार्डबोर्ड जो किसी कार्ड में वेडिंग कार्ड में मुझे मिला था। सो ये वेस्टी मटेरियल ऐसा हुआ तो मैं इस थीम पे बना रही हूँ। ये इट्सी डॉट कॉम पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 1300 का है। यहाँ पे मैं इसका सस्ता वर्जन बनाने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्लॉक्स कट कर लिया है। सो इस पर मैं वाइट सीमेंट का एक पेस्ट अप्लाई करूँगी। सबसे पहले पेस्ट बनाने के लिए हमें एक बाउल लेना है। देन उसके बाद आपको, आपके पास अगर पीओपी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप वाइट सीमेंट से भी इसे बना सकते हो। यहाँ पर मैं वाइट सीमेंट ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे वाइट सीमेंट लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसमें आप फेविकॉल डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फेविकॉल बहुत ज़्यादा ऐसा मेन इन्ग्रीडियंट है इसमें। सो इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसको ज़्यादा ही थिन नहीं करना है, एकदम थिक टेक्स्चर रखना है जो बहुत ज़्यादा आसानी से स्प्रेड हो जाए हमारे कार्ड पे। आप इसमें वाटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ही कर देते हो, ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा और सही से स्प्रेड भी नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा ही टाइम भी ले सकता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी थिन नहीं रखी हूँ, इसको एकदम डार्क कंसिस्टेंसी और बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में रखना है। इसको हम लोग अपने फिंगर्स से या किसी आइसक्रीम स्टिक से अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जब हमने टी कोस्टर्स बनाया तो यहाँ पे उसका बॉक्स भी होना चाहिए, टी कोस्टर होल्डर। तो यहाँ पे मैंने सेम ही कार्डबोर्ड लिया है और इसको फेविकॉल हेल्प से बहुत अच्छे से स्टिक कर दिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो गया और अगर मैं इसमें वाइट सीमेंट का पेस्ट अप्लाई कर दूँ तो ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, इस पर मैंने डूडलिंग स्केचिंग कर दिया है काउ पैचेस का। यहाँ पे मैं ब्लैक एंड वाइट कलर बिल्कुल भी नहीं रखने वाली और ये सारे भी हमारे ड्राई हो चुके हैं और इस पर भी मैंने डूडलिंग स्केचिंग कर दी है। तो मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल स्केचिंग किया है जो बहुत ज़्यादा क्यूट लगे और एस्थेटिक लगे, बहुत ज़्यादा सिंपल। सो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फर्स्ट इस ब्लॉक से। मैं सारे ब्लॉक्स को पेंट करूँगी फैब्रिक पेंट से। फैब्रिक पेंट बहुत ज़्यादा ही ग्लॉसी लुक प्रोवाइड करता है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर और ये वाइट तो है ही क्योंकि मैंने वाइट की कोटिंग पहले ही कर दी है डूडलिंग से पहले। सो मैं यहाँ पे बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह ब्लैक एंड वाइट में कलर करने वाली हूँ और ये बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस है, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस ब्लॉक को अपने रूम में भी सजा सकते हो या किसी वॉल हैंगिंग की तरह यूज़ कर सकते हो, इस पर कोई भी क्वेटोज और बहुत सारी चीज़ लिख कर गए थे। सो ये रेडी है और ये बिल्कुल मिनी चेस बोर्ड लग रहा है, अगर आप चाहो तो बिल्कुल इसी चेस बोर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सो हम लोग सेकेंड बनाने वाले हैं बहुत ज़्यादा क्यूट हर्ट शेप का। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फिल्टर्स देखती थी और पिंटरेस्ट पे ऐसे बहुत सारी इंस्पायरिंग ज्वेलरी होल्डर्स थे जो वो क्ले के बने हुए थे। इस कोस्टर पे मैं यूज़ करूँगी रेड टू पिंक कलर। सेंटर में मैं रेड डालूंगी एंड देन पिंक शेड के लाइटर शेडर्स को फॉलो करूँगी। रियली ये बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी वाइट और रेड कलर जो मैं पिंक शेड बनाने के लिए। यहाँ पर रेड कलर फेस से मैं फैब्रिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ सेंटर हर्ट में रेड कलर डालने के लिए। ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। सो अब मैं रेड और वाइट के कम्बिनेशन पे थोड़ा सा हॉट पिंक बनाऊंगी एंड देन मैं इसमें वाइट वाइट ऐड कर गई के इसे लाइटर शेड बनाती जाऊंगी। यहाँ पे मैं एक बार बस डाली हूँ रेड कलर एंड देन बार बार वाइट मिलाने के साथ ये बहुत ज़्यादा इट्स डार्कर टू लाइटर शेड होता जाएगा। सो मैं इसे वन बाई वन हर्ट में अप्लाई करती जाऊंगी एंड वाइट टू वाइट मिला मिला करके कि मैं इसे लाइट बनाती जाऊंगी, बिल्कुल इस तरह। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं बहुत सारे ऐसी क्ले के भी बना चुकी हूँ, देन मैं वो आपको बाद में दिखाऊंगी अपने दूसरे वीडियोस में। इस प्रोसेस को फॉलो करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है बट ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। ये पोस्टर पे भी हर्ट बनाने में मुझे टाइम लगा क्योंकि मैं जब बना रही थी कोस्टर पे हर्ट तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो मैंने दूसरा ही स्टेप फॉलो किया। देन थर्ड ये वाला डिज़ाइन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये क्लाउडी डिज़ाइन सेलेक्ट किया कि मैं यही बनाऊँगी। यहाँ पे मुझे मेरे पास पहले से ही लाइट शेड था ब्लू का, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ उस पर और ये बनाना तो बिल्कुल ईजी ही था ना।
सो फोर ये है चिक्स वाले, सबसे फेवरेट डूडलिंग, और ये बहुत ज़्यादा इजी वे था। इसमें मैंने थोड़ा सा येलो को थोड़ा डार्क शेड में कर दिया था और इसको बिल्कुल अच्छे से पेंट कर दिया। इसको पेंट करना तो बहुत ज़्यादा इजी था। देन इसके जो पिक थे और माउथ, उसे मैंने डाल दिया ऑरेंज कलर का, और आईज तो ब्लैक। ये तो बहुत ज़्यादा इजी था, बट मैंने इसमें थोड़ा सा और डिटेल ऐड करने के लिए साइड में थोड़ा सा डार्क शेड डाल दिया, जो बिल्कुल डिटेल्ड लगे ये पेंटिंग। अब ये लास्ट है हमारा, ये होल्डर। इसमें मैंने सैप ग्रीन कलर यूज़ किया है कॉपेटिस का। मैंने पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने वाली, इसलिए मैंने ग्रीन और वाइट कॉम्बिनेशन भी किया है। अंदर इनर साइड में मैंने सिर्फ प्लेन ग्रीन ही कलर यूज़ किया है। इसमें मैंने कोई पैचेस ऐड, ये पेंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला, क्योंकि वाइट सीमेंट एज अ जेसो भी एक्ट करता है, और हम इसे एज अ जेसो भी किसी भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ वॉर्निश लगाना, अपने क्यूट क्यूट पेंटिंग्स को डस्ट से बचाने के लिए। यहाँ पे तो बहुत अच्छे से ही वॉर्निश को मैंने अप्लाई कर दिया, बट ब्लू वाले में ऐसा नहीं हुआ। शायद वो सही से ड्राई नहीं हुआ था। मैंने जैसे ही उस पर वॉर्निश अप्लाई किया तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया, और बिल्कुल पोर्ट्रेट जैसे फीलिंग आने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल ख़राब हो चुका। उसके जो वाइट क्लाउड्स थे बिल्कुल लाइट ब्लू हो गए, और बिल्कुल पेंट इधर से उधर हो गया। सो वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, क्योंकि वो एक पोर्ट्रेट जैसा पेंटिंग लग रहा था। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया उसे, उस पर ज़्यादा ही वॉर्निश नहीं अप्लाई किया। इसी तरह से मैं चेक्स वाले पे भी नहीं अप्लाई की वॉर्निश, बट ये हर्ट और ये चेस बोर्ड टाइप वाले पे बहुत आराम से वॉर्निश अप्लाई हो गया, क्योंकि बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका था। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ही आसान था। तो इफ़ यू वॉन्ट मोर सच वीडियोज देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।